If you like the channel, please subscribe and like. तो जी गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. सो ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस तरफ पार्क का गेट एंट्री गेट है. तो हम लोग जो हैं फाटो जा रहे हैं घूमने के लिए और देखते हैं, फिंगर क्रॉस भाई टाइगर वाइगर दिख जाए. अब वो तो सब डिपेंड करता है. फिलहाल ये हमारी शानदार सी जिप्सी और ये पापा और संध्या दोनों ऑलरेडी बैठे हुए हैं. मैं नीचे उतर गया. यहाँ पे पीछे एंट्री कराने के बाद हमारे जो ड्राइवर भाई हैं हसन जी, वो गए हैं यहाँ पे एंट्री कराने के लिए. यहाँ से गाइड मिलेगा और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे. पर उससे पहले बड़ों को नमस्ते, छोटों की सी और साथ वालों को टाइट वाली झप्पी. तो जी तैयार हो जाइए जिम कॉर्बेट के सफ़र के लिए. सफारी स्टार्ट हो चुकी है. संध्या फिर से पीछे आ गई है और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उमेश भाई ने. उमेश भाई एक बार हेलो बोल दो. हेलो. तो उमेश भाई जो है हमारे गाइड हैं ये टूर के, और बस इन्हीं जो जो ये हमें दिखाएंगे वही वही हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरा नाम उमेश है, मैं आपका गाइड हूँ. आपका इको टूरिज्म फोटो में स्वागत है सर. सर ये जो हरे साल के पेड़ हैं जो आपको दिख रहे हैं सब साल के पेड़ हैं और इनकी लाइफ होती है 300 साल. सबसे मजबूत लकड़ी होती है जो पहले टाइम पे वो स्लीपर टेंट के स्लीपर हो गए, ब्रिज वगैरह हो गए वो बनते थे. ये जो पेड़ है यहाँ पर ये पैरासाइट ट्री है. ये देखिए कल जो दिखा था, ये एक ही पेड़ के अंदर दूसरा पेड़ उगा हुआ है. संध्या पूछ रही थी भैया से कि भैया टाइगर दिखाओ हमको, टाइगर दिखाओ. तो भैया कह रहे हैं कि मैडम टाइगर आपको तभी दिखेगा जब टाइगर आपको ढूंढेगा. जब आप उसको ढूंढोगे तो कुछ नहीं दिखेगा. आप टाइगर के पीछे, टाइगर आपके पीछे. टू मच फन. फायर. सर ये जो अभी हम खड़े हैं ये फायर लाइन है और इसमें ये कंट्रोल फायरिंग की हुई है डिपार्टमेंट ने. समर टाइम में जो है आग लगने के जंगल में चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट जो है जगह जगह जहाँ पे ऐसा फायर लाइन या ट्रैक होते हैं वहाँ के आसपास जो है कंट्रोल फायरिंग करके रखता है. सो ये जो है यहाँ पे साल के पेड़ होते हैं और साल के पेड़ जिसको सूर्य रबोस्ट्रा भी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है. और इसे हाथी जो खाता है वो इसलिए खाता है ताकि उसका पेट साफ़ हो सके. तो हमें पेट साफ़ करने के लिए खाना पड़ता है ये सब गोल. हाथी ये खाता है. ये देखिए सामने जो है ये वाला पेड़. तो ये जो है दीमक का घर है जिसे टर्माइट कहा जाता है. और जितना ऊंचा ये होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा फॉरेस्ट जो होता है वो हेल्दी होता है. और ये देखेंगे आप अभी यहाँ पे थोड़ा रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है इनके घर पे. ये जहाँ पे आप देखेंगे हल्का हल्का सा वेट टाइप का दिख रहा है आपको. और ये जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के नीचे भी होता है. कि ये जो है रोहिणी ट्रीज, ये सिंदूरी ट्री भी कहा जाता है. और ये एलिफेंट का सबसे पसंदीदा खाना है. फ़िलहाल तो हम रुके हैं इनके एक थोड़ा सा रेस्ट हाउस टाइप है जो
टूर के आधे टूर के बाद आपको लेके जाते हैं वहाँ पर, और आप वहाँ पे फ्रेशन अप वगैरह हो सकते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें काका मिला है अभी, इनका फैन बहुत बड़ा। कहाँ से? गुरुग्राम। गुरुग्राम, क्या बात है, गुरुग्राम से फैमिली के साथ में? हाँ। चलो जय। इस तरह कुछ रेस्ट हाउस है यहाँ पे फॉरेस्ट का, जहाँ पे आप आके रुक सकते हो। और इसके अलावा ये ट्री हाउस भी है। सो यहाँ पर ये ट्री हाउस है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं अंदर और ऊपर से कैसा दिखता है नज़ारा। कार्तिक नंदा। कहाँ से आप? आई एम कम फॉर दिल्ली टू दिस प्लेस एंड आई लाइक दिस प्लेस एंड दिस इज फन प्लेस। लौट के आ चुके हैं अपने होटल में और सफारी काफ़ी अच्छी रही हमारी, आपने वीडियोस में देखा ही होगा, ऑलमोस्ट सारे जानवर हमें दिख गए। बाघ जो था वो काफ़ी डिस्टेंस पे था तो उसको जूम करने की कोशिश करी पर थोड़ा सा वीडियो के पिक्सल फटे हैं। बाकी हाथी और हिरन वगैरह तो आपने देखे ही, हमने काफ़ी इन्जॉय किया, होप सो आप सब ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और अब पूछते हैं बाकी दोनों का एक्सपीरियंस। बाकी हिलिल के दोनों के सबके अस्थि पिंजर थोड़े ढीले हो गए हैं इसलिए भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली, तो खा रहे हैं वह और आलू पराठा। बहुत सही, बहुत सही, जल्दी जल्दी फटाफट शूट किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अमेजिंग। सो बात ये थी कि जानवर तो जानवर है, जैसे ही हम अपने डिवाइसेस निकालते, कैमरा निकालते उनको शूट करने के लिए वो तेज में भाग लेते। फिर भी हमने अपनी तरफ से जितना हो सका उतनी कोशिश करी है कि कैप्चर हो जाए और आपको दिखा सके। फिलहाल भूख बहुत ज़ोरों की है तो खाते हैं और फिर आपको आगे की डेस्टिनेशन लेके जाते हैं। यहाँ से हमारे रिसॉर्ट से 5 किलोमीटर दूर है गर्जिया माता मंदिर, तो आपको वहाँ लेके जाएंगे। गौरी माता का ही रूप है गर्जिया माता और उन्हें गिरजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये बना है कोसी नदी के बीचों बीच और ये पुल बना है जिस पे से आप चढ़ के जाते हैं और ये एक 100 फीट ऊंचे टीले पे मंदिर बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि नदी के बीचों बीच होने के बावजूद भी अगर इनकेस बहाव बढ़ता होगा तो ये कट पहाड़ जो है वो कहीं से भी कटा नहीं है, कभी भी कटाव नहीं हुआ, बहुत पुराना मंदिर है ये। और ये देखिए आप, ये पूरा नदी का इलाका है। लगे लाइन में और इस तरह का है कुछ, जोर से बोलो जय माता दी। बस माता जी का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं दर्शन करने। रानी के दर्शन हो गए हमारे बहुत शानदार और होप सो आपको भी मज़ा आ गया होगा दर्शन करके। और अब हम जा रहे हैं प्राचीन शिव गुफा भैरव मंदिर में, जो कि ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हेलो बोल लो।
और यहाँ से अंदर जाना है। दोस्तों सो आ चुके हैं अपने रिसॉर्ट में और पीछे सब मेजडअप है, फैला हुआ पड़ा है क्योंकि अभी सामान को वापस पैक करना है। और आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा, काफ़ी बिजी रहा, काफ़ी फन वाला रहा। हमने सुबह सुबह कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी करी, उसके बाद आए पूल में चिल करा और फिर शाम को गर्जिया माता के दर्शन के लिए गए और काफ़ी अच्छा रहा हमारा दर्शन, ईजिली दर्शन हो गए। ऑलरेडी भीड़ थी वहाँ पर, पता नहीं हमारा नंबर आया तो एकदम से भीड़ छट सी गई। माता रानी का आशीर्वाद था कि वो चाहती थी कि हमारे दर्शन इजीली हो जाए और अच्छे से हो जाए। सबके लिए मैंने ये मनोकामना करी कि सब कुशल मंगल रहे, सब खुशी खुशी रहे, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। और फिलहाल यहाँ पे एडिटिंग का काम चल रहा है, रामनगर का सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म। घूमने के लिए यहाँ फिर सिर्फ दो ही चीज़ थी, एक गर्जिया माता और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो दोनों हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। और लकीली हमें माता रानी का वाहन भी दिख गया, शेर भी दिख गया और हाथी भी दिख गए, डियर भी दिख गए। काफ़ी अच्छा दिन रहा, मतलब काफ़ी फ्रूटफुल डे रहा मैं एक तरह से कहूँ तो। खैर अब वापस रिसॉर्ट आ गए हैं, एडिटिंग पे भिड़ा हुआ हूँ, एडिट करूँगा, खाना खाऊँगा और टाइम पे सो जाऊँगा। सो बस एंड करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे। हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा, एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद।